Hello learners, welcome back to our channel Study IQ IES. This is me, Arjita. एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज के बारे में न्यूज में काफी ज्यादा ये खबर जो है चल रही है जहां पे आ, बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक आदमी ने यूरिनेट कर दिया एक महिला के ऊपर तो आज की इस वीडियो में यही चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा केस आपका क्या था यहाँ पे यहाँ पे एयर इंडिया एयरलाइन के पार्ट पे भी बहुत फॉल्ट जो है मिस्टेक वगैरह जो है वो देखी गई है प्लस इस तरीके की एक्टिविटी अगर कोई भी पर्सन करता है किसी भी तरीके का गलत बिहेवियर अगर आप करते हैं किसी भी फ्लाइट के अंदर तो वहां पे क्या पनिशमेंट आपको दी जा सकती है क्या -क्या तो session, आ, अगर आप में से कुछ लोग लॉ बैकग्राउंड के हैं जुडिश्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी रिलेटेड सारे वीडियो जो है वो कवर किए जाते हैं प्लस एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों ही यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यूजर आई डी मैंने यहां पर लिखी हुई है तो इसको सर्च करके यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल अगर आप इन टफॉर्म्स पे अवेलेबल है तो ठीक है तो देखो इंसिडेंट की बात करते हैं इंसिडेंट आपका हुआ था ये छब्बीस जनवरी को इंसिडेंट रिपोर्ट काफी बाद में किया गया इसको न्यूज में काफी बाद में हाईलाइट किया गया लेकिन ये इंसिडेंट एक्चुअल में आपका लास्ट ईयर हुआ था छब्बीस जनवरी को शंकर मिश्रा करके एक आदमी है जो कि काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे फ्लाइट में एंड अपेन्टली इन्होंने अनजिप करके इनके बगल की सीट पे जो महिला बैठी थी उनके ऊपर क्या कर दिया यूरिनेट कर दिया ठीक है सीनियर uh, सिटीजन एक महिला थी वो अपने सेवेंटीज में और ये जो फ्लाइट है एयर इंडिया की ये न्यूयॉर्क से डेली को जा रही थी नाउ आफ्टर दिस महिला ने जो लेडी है जिसके ऊपर यूरिनेट किया गया उन्होंने कंप्लेन किया जो क्रू मेंबर्स होते हैं आपके फ्लाइट के उनको बताया गया क्योंकि उनके सारे कपड़े जूते वगैरह जो वो कंबल वगैरह ओढ़ी हुई थी वो सब कुछ भीग चुका था ठीक है तो ऐसे में यहाँ पे महिला का कहना था कि उनकी सीट नहीं चेंज की गई महिला ने उनसे रिक्वेस्ट भी की क्रू मेंबर्स से कि मेरी सीट भी बदल दी जाए बट क्रू मेंबर्स ने सीट बदलने से मना कर दिया सिर्फ उनको एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स वगैरह देकर और डिसइनफेक्टेड जो है वहां पे छिड़क के जो है सिचुएशन को दबाने की कोशिश की ठीक है उसके बाद महिला ने एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स से यह भी बोला कि जैसे ही फ्लाइट लैंड होगी न्यू दिल्ली में आप कोशिश करिए आप देखिए कि इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करवाया जाए इसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पे आपका लिया जाए लेकिन यहां पे महिला का यह कहना है यह एलिगेशन है कि जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स थे उन्होंने भी ठीक तरीके से सिचुएशन की तरफ रिएक्ट नहीं किया ठीक है उन्होंने यही चीज बोला कि वो आदमी जो है वो अपोलोजाइज करना चाहता है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने इस बिहेवियर के लिए तो महिला का यहाँ पे यही कहना था कि मैंने रिपीटेडली मना किया क्रू मेंबर से कि मैं उस आदमी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहती मैं कोई भी अपोलॉजी वगैरह नहीं चाहती हूँ उसकी तरफ से उसके बाद भी एयरलाइन वालों ने क्या किया जबरदस्ती उस आदमी को लाके अपोलोजाइज वगैरह करवाया अब ऑब्वियसली बातें देखो वो आदमी रोने लगा गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी बहुत ही बेजती होगी अगर आप मेरे अगेंस्ट कंप्लेट वगैरह फाइल करोगे तो महिला ने वहां पे सिचुएशन को जाने दिया क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में वहां पे करती भी क्या उसने बोला कि ठीक है मैं कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट वहां पे नहीं लूंगी अब इसके बाद यहाँ पे जो लेडी है उनका ये कहना है कि एयर इंडिया का ये जो बिहेवियर था कि भाई कोई पैसेंजर इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है कोई पर्सन आपके ऊपर यूरिनेट कर रहा है इस तरीके की एक्टिविटीज फ्लाइट में की जा रही हैं तो आप वहां पे सिचुएशन को दबाने की कोशिश कैसे कर सकते हो आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन वहां पर लेना चाहिए था इस पर्सन के अगेंस्ट एंड एयर इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया इंसिडेंट के बाद भी नहीं किया और उस टाइम फ्लाइट के अंदर भी उन्होंने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर्सन के अगेंस्ट नहीं लिया तो महिला का यहाँ पे ये भी कहना था कि बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर ठीक है बहुत ही गलत कंडक्ट यहाँ पे एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स ने भी दिखाया कि आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो आप उल्टा उस पर्सन को सॉरी वगैरह बुलवा के वापस को वापस जो है उनको अगल बगल में बिठा के फ्लाइट को जो है वो कंटिन्यू रख रहे हो अब यहाँ पे बेसिकली आ, महिला का आ, के कंप्लेन के बाद फाइनली जब ये मैटर आपका न्यूज में आया तो एयरलाइन वालों ने बस इतना ही किया कि 30 दिन के लिए उस पर्सन को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया यानी कि 30 दिन तक वो पर्सन एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर सकता है अगेन जिस तरीके का बिहेवियर किया गया जिस तरीके का कंडक्ट किया गया उसके लिए तीस दिनों का बैन इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड ठीक है कि मतलब सिर्फ तीस दिनों के लिए आप सामने वाले को मना कर रहे हो आप फ्लाई नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड पनिशमेंट तो नहीं थी उस पर्सन के लिए अब जब महिला जब ये इंसिडेंट आपका हो गया ठीक है उसके बाद उस टाइम तो लेडी ने मना कर दिया था लाइक आई सेट क्योंकि वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा था रोने वगैरह लगा था तो उस टाइम तो महिला ने कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया लेकिन उसके बाद जो विमेन है जो महिला है उन्होंने चेयरमैन जो है एयर इंडिया के करंट एन चंद्रशेखरन उनको जो है एक रिटर्न कंप्लेंट लिखी ये बताते हुए कि उनके साथ फ्लाइट में किस तरीके का हुआ, क्या उस आदमी के अगेंस्ट तो आईपीसी के इंडियन पीनल कोड जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया का उसके कुछ सेक्शन के तहत इस आदमी के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया गया सेक्शन टू जो की बात करता है आप किसी भी तरीके का ऑपिन एक्ट यानी कि ऑप्शी बोलेंगे इसको कि आप पब्लिक प्लेस में इतने सारे लोगों के सामने किसी महिला के ऊपर यूरिनेट कर रहे हो तो ऑप्सीन एक्ट करना एक पब्लिक प्लेस में सेक्शन 294 उस आदमी के ऊपर लगाया गया सेक्शन 354 किसी भी महिला के साथ गलत तरीके का बिहेवियर करना जिससे उसकी मॉडेस्टी आउटरेज हो सकती है इस तरीके का कंडक्ट किसी महिला के साथ दिखाना जो कि एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है किसी भी लेडी के साथ एक्ट करने का तो सेक्शन 354 भी उस आदमी के ऊपर लगाया गया सेक्शन 509 आ किसी भी अपने आ, अपने जेस्टर से अपने कंडक्ट से किसी भी महिला की इंसल्ट करना एंड सेक्शन 510 जो है आईपीसी का कोई भी ड्रंक पर्सन कोई भी पर्सन जो कि अल्कोहल के नशे में किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट गलत गलत बिहेवियर अगर दिखाता है तो ये सारे सेक्शन ये सारे प्रोविजन जो है आपके वो इस पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे लगाए गए अब लाइक आई सेड ये जो इशू था ये जो मैटर था आपका वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका था राइट वो लेडी ने भी काफी कंप्लेन की न्यूज में भी ये काफी कुछ आ चुका था इसके बाद जो डीजीसीए है यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने भेजा क्या एयर इंडिया को एक शो कॉज नोटिस कि भाई आपने बिल्कुल भी सही तरीके से एक्ट नहीं किया इस तरीके की सिचुएशन अगर फ्लाइट में होती है इस तरीके से अगर कोई भी पैसेंजर बिहेव करता है फ्लाइट के अंदर में तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से एक्शन लेना है फ्लाइट के लैंड होते ही तुरंत आपको उस पर्सन को ऑफिशियल के हवाले जो है वो हैंड करना है आपको उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पे लेना है तो डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोला कि आपने ऐसा कोई भी एक्शन जो है वो यहां पे नहीं लिया इनफैक्ट ये इंसिडेंट हुआ छब्बीस नवंबर को और आप जाके जो एयर इंडिया वाले हैं आप जाके कंप्लेंट फाइल कर रहे हो चार जनवरी यानी कि अगले साल दो महीने के तो है। हैंडल नहीं कर पाए हैं अब अगर बात करते हैं नो फ्लाई लिस्ट के बारे में ठीक है तो ये जो पूरा इंसिडेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया वालों ने उस आदमी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है कि अगले तीस दिनों तक वो एयर uh, इंडिया की किसी भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता है तो बेसिकली no किस तो no किसी भी फ्लाइट में करता है तो वहां पे क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कौन ये पर्सन इन्वेस्टिगेशन करता है ये सारी चीजें देखते हैं तो देखो बेसिकली 2017 में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे इस चीज के रिगार्डिंग में कि Uh, कोई भी पर्सन इस तरीके का कुछ पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर करेगा तो उसे नो फ्लाई लिस्ट में वहां पे डाल दिया जाएगा ठीक है तो रूल्स के हिसाब से बेसिकली uh, अगर कोई भी कंप्लेंट इस तरीके की आती है किसी भी पैसेंजर ने कोई भी गलत तरीके का बिहेवियर किया है तो उसके बाद एक कंप्लेन वहां पर फाइल की जाती है उस कंप्लेन को फाइल करने के बाद एक इंटरनल कमिटी आपकी बनाई जाएगी बाई दी एयरलाइन ठीक है एंड जब तक वो कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती जब तक वो कमेटी किसी कंक्लूजन किसी डिसीजन पे नहीं

गाली गलौच किया कोई भी गलत चीजें किसी भी पर्सन को बोली वहां पे आपको तीन महीने तक के लिए नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है दूसरा लेवल बेसिकली क्या है फिजिकल हाथापाई पे आप उतर आए ठीक है लड़ाई झगड़ा करने लगे मारपीट वगैरह करने लगे आप फ्लाइट के अंदर में वहाँ पे आपको छह महीने तक के लिए बैन किया जा सकता है और तीसरा है किसी भी तरीके का लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर यानी जो फ्लाइट के अंदर लोग हैं उनकी जिंदगी को उनकी लाइफ को थ्रेटन करने वाला किसी भी तरीके का बिहेवियर अगर आप करते हो तो वहां पर आपको दो साल के लिए फ्लाइट से बैन कर दिया जाता है ठीक है तो ये सारे लिस्ट ये सारे जो गाइडलाइंस हैं ये डीजीसीए के द्वारा जो है वो इशू किए गए हैं कि अल्कोहल वगैरह ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करना फ्लाइट के अंदर और कंज्यूम करने के बाद गलत तरीके से बिहेव करना स्मोकिंग वगैरह करना फ्लाइट के अंदर किसी भी तरीके से गलत लैंग्वेज अब लैंग्वेज का यूज करना किसी भी पर्सन के लिए किसी भी क्रू मेंबर के लिए किसी भी फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर के लिए प्लस क्रू मेंबर्स यानी जो आपके एयर हॉस्टेस वगैरह रहते हैं वो जो अपना काम कर रहे हैं ड्यूटीज कर रहे हैं उनके साथ भी आप किसी भी तरीके से उनके काम में कुछ भी रुकावट वगैरह अगर डालते हो तो ये सारी चीज़ें आपके गलत अनरूली बिहेवियर में काउंट की जाती हैं ठीक है अब ये जो इंटरनल कमिटी आपकी बनाई जाती है इस तरीके के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्हें बेसिकली तीस दिन के अंदर अंदर में लाइक आई सेड एक रिपोर्ट यहां पे सबमिट करनी पड़ती है तीस दिन के अंदर अंदर में अगर आपने मैटर क्लोज नहीं किया तो वो पैसेंजर फिर है, वो आपकी में भी कर सकता है और वो बाकी के अंदर में भी, तो भी एयरलाइन लगा सकती है किसी भी तरीके का गलत आपने किया है थर्टी डेज के अंदर में कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी देखेगी कि जो आपने बिहेवियर किया वो सच में गलत था या किन रीजन की वजह से आप उस तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहे थे एंड उसके बाद ये जो डिसीजन आपका होता है तो एयरलाइन जो है वो कमिटी uh, का डिसीजन किसे भेजती है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि ये डिसीजन फिर आपका डीजीसीए को भेजा जाता है एंड फाइनली उस पर्सन को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है और ये लिस्ट आपकी पब्लिकली डिस्प्ले कर दी जाती है वेबसाइट्स के ऊपर कि ये लोग जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में आपके डाले गए हैं ठीक है सो so, uh, दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर guys. I hope होप uh, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं कि किस तरीके का बिहेवियर आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकता है ठीक है डीजीसी uh, या फिर इंटरनल कमिटी आपकी किस तरीके से यहाँ पे एक्शन लेती है आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी नाउ लाइक आई सेट टूवर्ड्स दी स्टार्ट ऑफ द सेशन अगर आप लॉ से रिलेटेड लीगल करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो अपडेट्स चल रही हैं देश में जो चीजें चल रही हैं वो जानना चाहते हैं उनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं सो डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशियरी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट एंड इन पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा डोंगेट टू लाइक इट अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी आई क्यू आई एस तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो एल सी बाय बाय